वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2008 में आई मूवी बर्न आफ्टर रीडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट। मूवी के शुरुआत में हमें CIA हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां ऑसबॉर्न कॉक्स नाम के CIA एनालिस्ट को डायरेक्टर ऑफिस बुलाया जाता है। असल में ऑसबॉर्न को CIA जॉब से फायर किया जा रहा है, क्योंकि ऑसबॉर्न काफी हैवी ड्रिंकर है, जिसे ऑसबॉर्न अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। ऑब्वियसली ये रीजन तो ऑसबॉर्न को फायर करने का बहाना है। ये सब सुनकर ऑसबॉर्न काफी भड़क जाता है और जाते जाते वो हायर अप्स को खूब सारी गाली भी दे जाता है। शाम को ऑसबॉर्न और उसकी वाइफ कैथरीन मिलकर पार्टी रखते हैं, जहां पर हैरी और उसकी वाइफ सैंडी भी शामिल है। हैरी एक ट्रेजरी एजेंट है और उसकी वाइफ एक बुक राइटर है। वैसे ऑसबॉर्न की वाइफ कैथरीन का हैरी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसका शायद सभी को पता है, मगर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को सोने से पहले ऑसबॉर्न कैथरीन को बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी है। ऑब्वियसली उसे निकाला गया है, मगर ये बात कैथरीन को थोड़ी ना पता है। ऑसबॉर्न कहता है कि मैं CIA की जॉब से थक चुका हूँ और अब मैं रिलैक्सिंग मूड के साथ एक बुक लिखना चाहता हूँ, एक मेमोयर टाइप, जिसमें मैं अपनी CIA एनालिस्ट लाइफ के बारे में सब कुछ लिखूंगा। तो ये सुनकर कैथरीन काफी हंसने लगती है, क्योंकि उसकी नजर में ऑसबॉर्न पूरा ढक्कन है और बुक लिखना उसकी बस की बात नहीं है। हस्बैंड की नौकरी चली गई है, यानी घर की आमदनी भी खत्म। तो नेक्स्ट डे कैथरीन जल्दी से लॉयर से मिलने जाती है, ताकि वो अपने डाइवोर्स के बारे में डिस्कस कर सके। कैथरीन भी काफी चालू है, वो ऑसबॉर्न के साथ अपना पत्ता साफ करना चाहती है, क्योंकि ऐसे हस्बैंड को रखने का क्या मतलब जो उसे पैसे लाकर ही ना दे। वैसे कैथरीन का लॉयर भी काफी डेंजर आदमी है, जो कैथरीन से कहता है कि तुम्हारा आदमी CIA में काम करता है तो वो पक्का जासूस होगा और जासूसों के राज होते हैं, तो बेहतर होगा तुम ऑसबॉर्न को डाइवोर्स देने से पहले उसके सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी कंप्यूटर फाइल्स को अपने कंट्रोल में कर लो, वरना हमें पता नहीं लग पाएगा कि ऑसबॉर्न के पास रियली कितना पैसा है। ये लोग डाइवोर्स से पहले ऑसबॉर्न के सारे पैसे को लूटना चाहते हैं, तो लॉयर का आइडिया सुनकर कैथरीन भी काफी खुश है। वहीं ऑसबॉर्न भी अपने घर में अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, या हो सकता है वो इसी तरह से सोता हो। इसके बाद ऑसबॉर्न अपने रिकॉर्डर पर अपनी CIA लाइफ के ऊपर मेमोर बनाना चालू कर देता है, मगर ऑसबॉर्न इस बात से काफी परेशान है कि सुबह से कैथरीन घर से बाहर है, वो लौटकर क्यों नहीं आई। कैथरीन एक बोट पर हैरी के साथ मजे कर रही है। वहीं अब हैरी को लगने लगा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तो और उस पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद कैथरीन घर लौट आती है और वो चुपके से ऑसबॉर्न की सभी कंप्यूटर फाइल्स को एक CD में कॉपी कर लेती है। इसके बाद हमें लिंडा नाम की लेडी दिखाई जाती है, जो अपने डॉक्टर के पास एडवाइस लेने जाती है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा इलाज हो सकता है, मगर उसके लिए काफी पैसा लगेगा। और पैसा का नाम सुनते ही लिंडा की वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि बस पैसा का नाम मत लो। असल में लिंडा एक जिम में काम करती है, जहां वो कुछ खास पैसे नहीं बना पाती और ज्यादातर समय वो ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर ढूंढती रहती है। इस जिम में चैड नाम का आदमी भी काम करता है, जो कि एक जिम ट्रेनर है, मगर उसकी लाइफ की भी बजी पड़ी है, क्योंकि जब वो एक आदमी को ट्रेन कर रहा होता है, तब वो उस आदमी को एक्सरसाइज करते हुए मोटिवेट करता है कि इनहेल एक्सहेल, तो वो आदमी चैड की बातों का गलत मतलब निकाल लेता है और अपनी दुकान से लंबी सी ब्रीथ छोड़ देता है। वहीं बोर्ड पर हैरी और कैथरीन का मैच चल रहा है, तो मैच के खत्म होने के बाद कैथरीन कहती है कि मैं ऑसबॉर्न को डाइवोर्स देने का सोच रही हूँ। तो ये सुनते ही हैरी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम उस संकी बुड्ढे को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। असल में हैरी भी अपनी वाइफ सैंडी को डाइवोर्स देने की सोच रहा है, तो फाइनली अब कैथरीन और हैरी एक साथ हो सकते हैं। अगले दिन हार्ड बॉडी जिम में कुछ जिम ट्रेनर बड़े ध्यान से कंप्यूटर को देख रहे थे, तो लिंडा यहाँ आकर पूछती है कि तुम लोग क्या देख रहे हो। तो चैड बताता है कि आज हमें लेडीज लॉकर के पास एक CD मिली है, हमें लगा इस CD में किसी कपल की मौज मस्ती वाली वीडियो होगी, मगर इस CD में तो काफी हाईली क्वालिफाइड इंटेल है। चैड का तो यही मानना है। तो ये सब देखकर टेड नाम के आदमी की एक बराबर हो जाती है, क्योंकि उसने मूवीज में देखा है कि अगर किसी को एजेंसी की इन्फो गलती से मिल जाए तो एजेंसी उसे ठिकाने लगा देती है, और टेड मरना नहीं चाहता। तो टेड एडवाइस देता है कि बेहतर होगा कि इस CD को फेंक दो, जिसके लिए लिंडा और चैड राजी नहीं है। इसके बाद अगले दिन चैड लिंडा को बताता है कि मैंने पता लगा लिया है कि कल वाली CD किसकी है। ये CD ऑसबॉर्न कॉक्स नाम के आदमी की है, जो कि CIA में काम करता था, और तो और मैंने ऑसबॉर्न का फोन नंबर भी पता लगा लिया है। क्यों ना हम ऑसबॉर्न को कॉल करें, मे बी वो इस हाई इंटेल को वापस पाने के लिए हमें कुछ पैसे रिवॉर्ड में दे दे। तो पैसा वर्ड सुनते ही लिंडा के कान खड़े हो जाते हैं, और फिर ये लोग ऑसबॉर्न को कॉल करते हैं, ताकि वो लोग ऑसबॉर्न को उसकी CD लौटा कर कुछ पैसे हासिल कर सकें। मगर इनकी कॉल ऑसबॉर्न की नींद खराब कर देती है, तो वो कॉल उठाते ही इन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगता है।
तो लिंडा भी बोल देती है कि हमें इस सीडी के बदले कुछ पैसे चाहिए जिसमें तुम्हारी एजेंसी के हाईली क्वालिफाइड रिकॉर्ड हैं। मगर ऑस्मन काफी कंफ्यूज्ड है कि कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से रिकॉर्ड। एजेंसी ने तो उसे कभी भी किसी हाईली क्वालिफाइड फाइल्स को टच करने ही नहीं दिया था। मगर जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये लोग उसके मेंबर की बातें कर रहे हैं। वहीं अब लिंडा और चैड को यकीन है कि ऑस्मन कोई सीनियर एजेंट है, तो अब ये लोग इस सीडी के बदले अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट डे कैथरीन अपने लॉयर से मिलने जाती है ताकि वो ऑस्मन के फाइनेंशियल्स को चेक करवा के अपना हिसाब किताब करवा सके। मगर जब लॉयर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके ऑस्मन के फाइनेंशियल्स को मंगवाता है तो लेडी को अपने बैग में ऑस्मन की फाइनेंशियल्स वाली डिस्क नहीं मिलती। यानी ये लेडी ही हार्ड बॉडी जिम जाती है और इसी ने गलती से ऑस्मन वाली सीडी जिम में गिरा दी होगी। अब बात आती है कि ये सीडी लॉयर के सेक्रेटरी तक कैसे पहुंची। वेल, कैथरीन ने ऑस्मन के कंप्यूटर के सारे डाटा को एक सीडी में कॉपी करके अपने लॉयर को दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ हैरी पार्क में बैठकर चने चबा रहा था। मगर तभी यहाँ पर लिंडा आ जाती है जो हैरी को लाइन देने लगती है। तो हैरी, जो कि किसी प्लेबॉय से कम नहीं था, वो डायरेक्टली लिंडा के घर जाकर रोमांटिक होने लगता है। अगले दिन चैड अपना सूट बूट पहनकर ऑस्मन की कार तक पहुंच जाता है ताकि वो ऑस्मन के साथ सीडी की डील कर सके। वेल, इन लोगों ने $50,000 की डील ऑलरेडी कर ली है। मगर ऑस्मन चैड को देखते ही उसे गालियां बकने लगता है और तो और वो चैड की नाक पर जोरदार पंच मारता है जिससे चैड की नक्की चल जाती है। यानी अब डील फेल हो गई है। तो गुस्से में चैड कार से उतर जाता है। मगर तभी यहाँ पर लिंडा आ जाती है जो ये देखकर काफी नाखुश है कि ऑस्मन ने उन्हें पैसे नहीं दिए और तो और उसने चैड पर भी हमला किया है। तो लिंडा अपनी कार से ऑस्मन की कार का पीछा करती है और वो डायरेक्टली ऑस्मन की कार को ठोक देती है। वेल, लिंडा ऐसा करके अपनी भड़ास निकालना चाहती है। इसके बाद लिंडा और चैड दोनों सीधा रशियन एम्बेसी पहुंच जाते हैं ताकि वो इस सीडी को रशियंस को बेच सकें। मगर एजेंट तो एजेंट होते हैं, वो लिंडा से कहते हैं कि हमें ऐसी और इंटेल चाहिए। तो लिंडा उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही उन्हें और इन्फो लाकर दे देगी। असल में लिंडा अपनी फेस सर्जरी करवाना चाहती है ताकि वो और खूबसूरत बन सके और फिर वो हैंडसम मेल्स को पटा सके। मगर इस सर्जरी के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है। वहीं जब कैथरीन घर लौट के आती है तो वो पूरी तरह से भड़क जाती है क्योंकि ऑस्मन उनकी कार को कहीं ठोक लाया है और तो और वो हाफ डेड स्टेट में मस्त सो रहा है। इसके बाद जब रात को ऑस्मन घूम घाम कर घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि कैथरीन ने उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया है और तो और कैथरीन ने घर के सभी लॉक्स को भी चेंज कर दिया है। मगर इतना ही काफी नहीं था, उसने ऑस्मन के सभी अकाउंट से पैसे भी डाइवोर्स प्रोसीडिंग अकाउंट में डलवा दिए हैं। यानी अब ऑस्मन के पास न तो घर है और न ही पैसा। वहीं दूसरी तरफ चैड और लिंडा ये सोचकर काफी परेशान है कि उन्होंने रशियंस को इंटेल लाने का प्रॉमिस कर तो दिया मगर उनके पास तो कोई भी इंटेल नहीं है और ये लोग सीडी को तो रशियंस को ऑलरेडी दे चुके हैं मगर रशियंस ने इन्हें बदले में 40 कौड़े भी नहीं दी बल्कि वो इन्हें और इंटेल लाने के लिए कह रहे हैं। तो चैड डिसाइड करता है कि वो चुपके से ऑस्मन के घर जाएगा और उसके कंप्यूटर से इंटेल चोरी करने का ट्राई करेगा। तो अगले दिन चैड सूट बूट पहनकर ऑस्मन के घर पहुंच जाता है और फिर वो एक वॉल को लांघकर घर के अंदर घुस जाता है और फिर वो जल्दी से ऑस्मन के कंप्यूटर से डाटा कॉपी करने लगता है। मगर जब चैड घर से निकलने वाला था तभी घर पे हैरी आ जाता है। तो उसे यहाँ पे देखकर चैड काफी घबरा जाता है और वो जल्दी से क्लोजेट में छुप जाता है। मगर जब हैरी कोट निकालने के लिए क्लोजेट खोलता है तब चैड उसे प्यारी सी स्माइल दे देता है जिसे देखकर हैरी की रूह भी कांप जाती है और वो बिना कुछ सोचे ही चैड को ठोक देता है। यानी अब चैड तो डेड है। अब हैरी के हाथों खून हुआ है तो वो डर के यहाँ से भाग जाता है। वेल, काफी समय से कोई हैरी का पीछा कर रहा था तो उसे लगता है कि कोई एजेंट उसे फॉलो कर रहा है तो वो काफी पैरानॉइड फील कर रहा है। वहीं CIA हेडक्वार्टर में ऑस्मन का एक्स बॉस पेलमर CIA डायरेक्टर को बताता है कि रशियन एम्बेसी में मौजूद हमारे जासूस ने जानकारी भेजी है कि 2 दिन पहले लिंडा नाम की लेडी रशियन एम्बेसी आई थी ताकि वो सीक्रेट इंटेल को भेज सके और इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला है कि इंटेल हमारे एक्स एनालिस्ट ऑस्मन के कंप्यूटर से लीक हुई है और तो और लिंडा का हैरी नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। मगर इतना ही काफी नहीं है, हैरी का तो ऑस्मन की वाइफ कैथरीन के साथ भी चक्कर चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हैरी ने कैथरीन के थ्रू ऑस्मन के कंप्यूटर से फाइल निकलवाई होगी और फिर उसने अपनी दूसरी माशुका लिंडा के थ्रू ये इंटेल रशियन को बेची होगी, पेलमर बताता है। आज सुबह ही हैरी ने ऑस्मन के घर में एक आदमी को जान से मार दिया है। मगर CIA डायरेक्टर काफी कंफ्यूज्ड है कि रशियंस को CIA के इंटेल क्यों चाहिए, वो भी ऐसे आदमी से जिसके पास कोई इंटेल है ही नहीं। तो पेलमर बोलता है कि पता नहीं बॉस, आखिर चल गया रहा है। मगर वो लोग इस बेफालतू के इंटेल के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं
तो डायरेक्टर भी बोलता है कि भाड़ में जाने दो उन सभी को। वैसे भी ऑस्बोर्न को हमने कभी भी कोई हाई इंटेल दी ही नहीं थी। और रही बात चैट की डेड बॉडी की, उसे सीक्रेटली जंगल में जला दो। वहीं अब लिंडा काफी डरी हुई है क्योंकि काफी समय से चैड का तो कोई अता पता नहीं है, और तो रशियंस इंटेल लाने के लिए उसे बार बार फोन कर रहे हैं। तो लिंडा को अंदाजा हो जाता है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हैरी उस आदमी को पकड़ लेता है जो काफी समय से उसे फॉलो कर रहा था। तो काफी पिटने के बाद वो आदमी हैरी को बता देता है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे तुम्हारी वाइफ ने हायर किया है। वेल, तुम्हारी वाइफ को शक है तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो अब हैरी को रियलाइज हो जाता है कि उसका पीछा कोई एजेंट नहीं कर रहे थे, उसने तो बेवजह ही चैड को मार दिया। वहीं इस सब झमेले से दूर ऑस्बोर्न मस्त अपनी लाइफ जी रहा है। वेल, इतनी भी मस्त लाइफ नहीं थी क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके सारे पैसे हड़प लिए हैं। अगले दिन लिंडा टेड से कहती है कि क्या तुम ऑस्बोर्न के घर जाकर उसके कंप्यूटर से इंटेल ला सकते हो। तो टेड इसके लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि लिंडा के चक्कर में चैड ऑलरेडी गायब है, तो वो लिंडा के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। मगर लिंडा के ज्यादा रोने धोने पर टेड उसका काम करने के लिए मान जाता है क्योंकि असल में टेड लिंडा से प्यार करता है, मगर लिंडा उसे भाव नहीं देती। नेक्स्ट डे लिंडा हैरी को बताती है कि 2 दिन से मेरा फ्रेंड गायब है। वो 2 दिन पहले ऑस्बोर्न नाम के आदमी के घर गया था और तब से वो लौट कर नहीं आया। तो ये सुनकर हैरी अलर्ट हो जाता है क्योंकि चैड को तो 2 दिन पहले उसी ने निपटाया है। तो हैरी यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्बोर्न कुल्हाड़ी लेकर अपने ही घर पहुंच जाता है क्योंकि कैथरीन ने उसे उसके ही घर से निकाल दिया है। तो जब ऑस्बोर्न कैथरीन की ज्वेलरीज को इकट्ठा कर रहा होता है तब उसे डोर की आवाज सुनाई देती है। तो ऑस्बोर्न फुली अलर्ट हो जाता है और फिर वो अपनी दारू और गन निकाल लेता है। वो देखता है कि टेड उसके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो दारू के नशे में ऑस्बोर्न सीधा टेड को गोली मार देता है, मगर फिर भी टेड यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसका ऑब्वियसली ऑस्बोर्न अपनी कुल्हाड़ी लेकर पीछा करता है और फिर वो बीच रोड पर खुलेआम टेड को कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पैलमर सीआई डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है कि सर कुछ इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि हमारे प्रायोरिटी टारगेट हैरी ने यूएस छोड़कर वेनेजुएला जाने की कोशिश की है, तो हमने उसे पकड़ लिया। तो डायरेक्टर कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये हैरी वेनेजुएला जाना क्यों चाहता है, मगर पैलमर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो डायरेक्टर कहता है कि हैरी को अगली फ्लाइट से वेनेजुएला भेज दो, हैरी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पैलमर बोलता है कि हार्ट बॉडी जिम के मैनेजर टेड ने ऑस्बोर्न के घर में घुसने की कोशिश की थी, तो गुस्से में ऑस्बोर्न ने उसे मार दिया। तो प्रोसीजर के हिसाब से हमने टेड की बॉडी को जंगल में जला दिया है, मगर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जब ऑस्बोर्न ने टेड को बीच रोड पे मारा था तब वहाँ पर हमारी एजेंसी का एक रुकी एजेंट भी मौजूद था जिसने बिना ज्यादा सोचे ऑस्बोर्न को गोली मार दी। तो डायरेक्टर बोलता है कि इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, ऑस्बोर्न की बॉडी को भी जंगल में जला दो। मगर पैलमर सैडली बोलता है कि ऑस्बोर्न गोली लगने के बाद भी जिंदा बच गया है। तो ये सुनकर डायरेक्टर भी काफी अपसेट है। वेल, न जाने क्यों इन दोनों को डेड बॉडीज को जंगल में जलाने का इतना शौक है। इसके बाद पैलमर बोलता है कि वैसे इसमें लिंडा नाम के जिम ट्रेनर अभी भी जिंदा बच गई है जिसे हमने पकड़ लिया है। उस लेडी का कहना है कि अगर हम उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए पे करें तो वो हमारे ओल्ड एजेंट्स को जिम ट्रेनिंग और मसाज करवा सकती है। तो डायरेक्टर जल्दी से लिंडा की सर्जरी के लिए राजी हो जाता है। वैसे इन दोनों सीनियर्स को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि इतने सारे लोग मारे क्यों गए, इतना तमाशा क्यों हुआ, वो भी एक सीडी के लिए जिसमें कोई रियल इन्फो भी नहीं थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।